खबर शामिल करते हैं। पाकपतन से डिप्टी कमिश्नर अहमद सोहेल कैफी ने कहा है कि अवामी रिलीफ के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बायस किरायों में कमी की जाए। जनरल बस स्टैंड समेत दीगर अड्डों पर किरायों से मुतालिक किरायानामा की फ्लेक्सिस भी आवेजा की जाए। मुसाफरों को बेहतरीन सफरी सहूलियात मुहैया की जाए और माजूर अफराद को व्हील चेयर्स की फ्राहमी के साथ साथ उन्हें 50% किराया में भी रियायत दी जाए। ये बात उन्होंने किरायों में कमी समेत दीगर इकदाम पर अमल दरामद बारे ट्रांसपोर्टर्स को हिदायत जारी करते हुए कहीं। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू माहम आसिफ मलिक, सेक्रेटरी DRTA फरजंद खान लोहदी, COMC मलिक जावेद असलम समेत दीगर मुतालिका दारों के अफसरान भी मौजूद थे। सेक्रेटरी DRTA फरजंद खान लोहदी ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हुकूमती हिदायत पर मुसाफरों को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट को भी कायदों जवाबित पर अमल करने के लिए हिदायत जारी की गई हैं। हुकूमती कायदों जवाबित पर अमल ना करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का अमल भी जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर अहमद सैफी ने कहा है कि तमाम अड्डों पर सफाई सुथराई के अमल को बेहतर बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर अहमद सोहेल कैफी ने सेक्रेटरी DRTA फरजंद खान लोधी को हिदायत की कि मुसाफरों को साफ पानी की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। खवातीन और मर्दों के लिए अलग अलग वेटिंग रूम्स बनाए जाए। मस्जिद की सहूलत फराहम की जाए। डिप्टी कमिश्नर अहमद सोहेल कैफी ने मुतल्लिका अदारों के अफसरान को हिदायत जारी की कि डेंगू से बचाव के लिए पानी ना खड़ा होने दिया जाए, ठंडे पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए।